नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मसाला चना कैसे बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी आपको बताऊंगी। आप ओवरनाइट काले चने को ऐसे भिगो लीजिए और 5 से 6 घंटा भी भिगो सकते हैं आप इसको। फिर मैंने लिए हैं आलू और अब मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी ले लिया है और हल्दी डाल दी है। अब इसमें हम चने को क्या करेंगे, बॉईल करने के लिए डाल देंगे। आप स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चने डाल दिए हैं और अब इसी तरीके से हम आलू को भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो चटपटे चने बनाने के लिए ये सामग्री ले लेते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और साबुत मसाला, और इन सब का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन और साबुत मसाला का पेस्ट बना लिया है। अब जो इसमें साबुत मसाला था, इसमें मैंने छोले मसाले और धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारे आलू बॉईल हो गए हैं और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और अब हम प्याज को भूनने के लिए अच्छे से रख देते हैं। प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो आप देखिए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है और अब हम इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। अब इसी तरीके से हम साबुत मसाला का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे ही ये मसाले पकने लगेंगे, इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैंने नमक चनों को उबालते वक्त ही डाल दिया था, इसलिए मैं टमाटर के साथ नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। अब इस मसाला ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें छोले डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये मैंने आलू भी साथ साथ डाल दिए हैं। इसमें सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी पकी हुई थी, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इसको पकाने के लिए। 10 मिनट आप इसको फ्लेम पे रखेंगे और ये आपकी पककर तैयार हो जाएगी। हमारे चटपटे छोले बनकर तैयार हैं। अब हम इसको हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाएँ। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।